नमस्कार ऑल ऑफ यू, मैं विजय आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो अभी हम लोग क्या पढ़ रहे थे, बैटरी की चार्जिंग अवस्था के बारे में पढ़ा था। तो बैटरी को कैसे चार्ज करते हैं, कांस्टेंट करंट से कैसे चार्ज करते हैं, ये चीज़ पढ़ ली। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि बैटरी को स्थिर वोल्टेज पे कैसे चार्ज करते हैं, और स्थिर करंट के बारे में कुछ चीज़ें शायद मैंने आप लोगों को ना बताई हो, तो स्थिर करंट के बारे में एक दो चीज़ें और बता देता हूँ। तो उस मेथड का हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं, स्थिर करंट मेथड का यूज कहाँ पे करते हैं। तो जितने भी बच्चे हैं लाइव आ जाएं। स्थिर करंट के बारे में हम बात करते हैं। कमेंट्स ओपन कर लूँ आप लोगों के, देन मुझे पता लगते रहे कि बच्चे क्या कमेंट कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। आ जाओ सभी बच्चे जितने भी हैं। ये हमारी 18वीं क्लास है, 17 क्लास ऑलरेडी हम कंप्लीट कर चुके हैं, 18वीं क्लास पे हम बात कर रहे हैं। चलो नाउ वी आर लाइव। चलिए तो स्थिर करंट के बारे में, स्थिर करंट का हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं इस मेथड का। तो जहां पर हमें क्या है कि ज्यादा बैटरियां एक साथ चार्ज करनी हो, ठीक है, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि सारी की सारी बैटरियों को हम लोग क्या कर सकते हैं, स्थिर करंट मेथड से चार्ज कर सकते हैं। क्यों किया जाता है भैया, इसका यूज करते क्यों है, एक चीज आप लोग बता पाएंगे मुझे कि क्यों करते हैं हम लोग बहुत ज्यादा बैटरियां एक साथ चार्ज इसमें। तो रीजन ये होता है कि जब हम इसमें एक बैटरी चार्ज करते हैं तो भी वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है मेरा उसी हिसाब से होता है, और ज्यादा बैटरियां है वो चार्ज करेंगे तो भी मेरा वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा उसी हिसाब से होएगा, ठीक है। तो वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है कि होना तो है ये वोल्टेज ड्रॉप, तो क्यों ना एक साथ काफी बैटरियों को क्या कर लिया जाए, चार्ज कर लिया जाए। इसलिए इस मेथड को वैसे तो यूज करते हैं बिजली बोर्ड वगैरह में या थर्मल वगैरह जो पावर स्टेशन होते हैं वहां पे किया जाता है। रीजन बिहाइंड इट कि ज्यादा से ज्यादा क्या है बैटरियां चार्ज हो जाए और वोल्टेज ड्रॉप मेरा उतना ही रहे, उस कारण से करते हैं। चलिए अब बात करते हैं स्थिर वोल्टेज चार्जिंग मेथड के बारे में, जिसके अंदर क्या होता है कि वोल्टेज को क्या रखा जाता है, स्थिर रखा जाता है। तो यहाँ पे हेडिंग लगाओगे आप लोग, स्थिर वोल्टेज चार्जिंग मेथड, चार्जिंग मेथड, ठीक है। वोल्टेज क्या होनी चाहिए इसमें, कॉन्स्टेंट रखी जानी चाहिए। अब वोल्टेज कांस्टेंट रखने के लिए क्या करेंगे, बैटरी चार्ज करने के लिए हमेशा की तरह हम लोग क्या देंगे, यहाँ से डीसी सप्लाई ही देंगे। डीसी सप्लाई के साथ हम लोगों ने क्या जोड़ दिया, यहाँ पे ये लगा दिया भैया स्विच। स्विच के बाद लगा देते हैं हम लोग फ्यूज, यहाँ से हम लोगों ने क्या लगा दिया, फ्यूज लगा दिया, और वही बैटरी चार्ज करने का मेथड आ जाएगा। एम्पियर मीटर किस में लगा देंगे हम लोग, सीरीज में लगा देंगे, और यहाँ से मेरी बैटरी चार्ज करना स्टार्ट कर देंगे। अब इसमें एक चीज आप लोगों को करनी है कि इसमें आप लोगों को रियोस्टेट लगाना है। जैसे पहले वाले में हम लोग क्या लगा रहे थे, रियोस्टेट ना लगा के हम लोगों ने क्या चीज लगाई थी, लैंप लगाए थे, ठीक है। लैंप क्यों लगाए थे, ताकि मुझे वहां पे कांस्टेंट करंट मिलता रहे, और यहाँ पे रियोस्टेट लगाने का रीजन क्या है, ताकि मुझे यहाँ पे वोल्टेज जो है वो कांस्टेंट मिलती रहे। रियोस्टेट लगाने से क्या हो जाएगा, मुझे वोल्टेज वोल्टेज जो है वो कांस्टेंट मिलती रहेगी। तो वही चीज है कि कैसे करते हैं, यहाँ पे 6 वोल्ट की मेरी ये बैटरी लगी हुई है और यहाँ से डीसी सप्लाई दे रहे हैं हम लोग, यहाँ से क्या आ रही है मेरी डीसी सप्लाई आ रही है। चलिए अब इसमें किसी को डाउट है तो बताओ, सिंपल सा है। और इसका यूज क्यों करते हैं, यूज इसका इसीलिए किया जाता है ताकि मुझे यहाँ से क्या मिलती रहे, कॉन्स्टेंट वोल्टेज मिलती रहे। कॉन्स्टेंट वोल्टेज के लिए हम किसका यूज करते हैं, इसी मेथड का यूज करते हैं। इसमें ज्यादा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, स्थिर करंट चार्जिंग मेथड का ही हम लोग यूज करते हैं बिजली घर वगैरह में। रीजन क्या है इसके पीछे कि काफी सारी बैटरियां जो है वो एक साथ हो जाती है और वोल्टेज ड्रॉप मेरा उतना ही होना है। चलिए आ जाओ जल्दी से कमेंट करते करते। अब इसका यूज कहाँ पे किया जाता है, अगर मान लो मुझे सर इसमें वोल्ट मीटर नहीं लगता, नहीं, वोल्ट मीटर नहीं लगता इसमें, उसकी जरूरत नहीं होती डियर, ठीक है। वोल्ट मीटर लगाने को आप पैरेलल में लगा सकते हो कि कितना जो है वो जा रहा है, लेकिन यहाँ पर बैटरी हम लोगों ने किस में लगाई है, सीरीज में ही लगाई है विद रियोस्टेट, ठीक है। इसमें क्या होता है कि सिर्फ वोल्टेज ही हम लोगों ने क्या रखी है, कॉन्स्टेंट रखी है, ठीक है। अगर मान लो 6 वोल्ट की बैटरी है तो
मैं यहाँ पे सप्लाई कितनी रखूंगा 6 वोल्ट की बैटरी को चार्ज करने के लिए, तो यहाँ से डीसी सप्लाई में कितनी दूंगा, या तो 15 वोल्ट दूंगा या 12 वोल्ट दूंगा। अगर मान लो 12 वोल्ट की बैटरी चार्ज करनी है तो मैं लगभग 15 वोल्ट की सप्लाई जो है वो इसको दूंगा। क्लियर है सोमवीर? कोई डाउट है तो इसमें बता दे। और ये चार्जिंग मेथड कहाँ कहाँ पे यूज किया जाता है, इस विधि का उपयोग, जैसे उसका हम बिजली घर वगैरह में कर रहे थे, इस विधि का उपयोग, इस विधि का उपयोग मोटर कार आदि में किया जाता है, मोटर कार आदि में किया जाता है। और ये जो बैटरी है ये मेरी किससे चार्ज होती है, ये बैटरी डायनमो से चार्ज होती है, डायनमो से चार्जिंग होती है। ठीक है, ये चार्ज किससे होती है, मेरी डायनमो से होती है। जैसे आप लोगों ने मोटरसाइकिल वगैरह में, व्हीकल वगैरह में ये बैटरी लगी देखी होगी, ठीक है, तो वो किससे होती है, डायनमो के घूमने के कारण ही चार्ज होती है। डायनमो क्या होता है, एक छोटा जनरेटर ही होता है जो आगे के चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। और अगर मान लो फिर आप इसमें एमीटर लगा सकते हैं, हाँ एमीटर तो लगाया ही है, एमीटर तो लगाया ही है इसमें, ठीक है, जो करंट की रेटिंग बताएगा। ठीक है, चलिए, अधिक बैटरियों को एक साथ चार्ज करने के लिए, अधिक बैटरियों को एक साथ चार्ज करने के लिए उन्हें समांतर क्रम में लगाया जाता है, समांतर क्रम में लगाया जाता है। यानी दो या तीन बैटरी को हम लोग क्या करेंगे, चार्ज करेंगे, तो उस कंडीशन में उन बैटरियों को किस में लगाएंगे, हम लोग पैरेलल में लगाएंगे। ठीक है, चलिए, इसमें और कोई डाउट है तो बताओ। बड़ी सिंपल, सबसे सिंपल मेथड यही है। और यूज याद रखना कि कहाँ पर करते हैं, स्थिर करंट का यूज हम लोग कहाँ पर करते हैं, स्थिर वोल्टेज चार्जिंग मेथड का यूज हम लोग कहाँ पे करते हैं, ये चीज ध्यान रखना। मल्टीमीटर सर, सर इसमें ये वो लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो एमीटर क्यों लगाते हैं, ताकि हम करंट को मेजर कर सकें। वोल्टमीटर क्यों लगाया जाता है, ताकि हम वोल्टेज को मेजर कर सकें। लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, ये मान लो ये मैंने क्या लगाया, एक रियोस्टेट ही लगाया है। ठीक है, ये चीज जो मैंने लगाई है ये क्या है, रियोस्टेट है। इसको आप लोग लिख सकते हो रियोस्टेट, रियोस्टेट। ठीक है, मेरे वोल्टेज जो ड्रॉप करने का काम है वो तो यही कर देगा मेरा। ठीक है, रियोस्टेट क्या कर देगा, इस काम को कर देगा मेरा आराम से। ठीक है, इसलिए हम लोगों ने करा है। करने को तो हम उसमें भी रियोस्टेट लगा सकते थे, लेकिन रियोस्टेट क्या करता, वोल्टेज ड्रॉप करता और कांस्टेंट करंट मुझे उसमें चाहिए था, उसमें मुझे कांस्टेंट करंट नहीं मिलता रियोस्टेट के थ्रू। ठीक है, तो वहां पे कांस्टेंट करंट के लिए मुझे क्या लगाने पड़े, लैंप लगाने पड़े। क्लियर है, इसमें ज्यादा डीप सोचने की जरूरत नहीं है, तुम लोगों से सिर्फ एग्जाम्पल ही पूछा जा सकता है। और नाम से ही इसके पता लग रहा है कि कौन सा जो है वो मेरा स्थिर करंट चार्जिंग है और कौन सा जो है वो मेरा स्थिर वोल्टेज चार्जिंग है। स्थिर वोल्टेज चार्जिंग क्या होगा, जिसमें मुझे वोल्टेज कांस्टेंट देनी पड़ेगी, और स्थिर करंट चार्जिंग कौन सा होगा, जिसमें मुझे करंट कांस्टेंट देना पड़ेगा। ट्रिकल चार्जिंग के बारे में काफी क्वेश्चन पूछा जाता है, स्थिर करंट चार्जिंग के बारे में पूछा जाता है, ट्रिकल चार्जिंग के बारे में पूछा जाता है। ठीक है, रियोस्टेट उसमें नहीं लगता, रियोस्टेट इसमें लगता है, ये चीज ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं ट्रिकल चार्जिंग मेथड के बारे में। नंबर 3 पे आता है मेरा ट्रिकल चार्जिंग मेथड। नंबर 3 आता है ट्रिकल चार्जिंग विधि। तो भैया आप ट्रिकल चार्जिंग विधि क्या है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि मैं विदेश चला गया अमेरिका, और अमेरिका जाके भूल गया मैं, मेरी घरे बैटरी भी लगा रखी है। ठीक है,
अब मेरे गैरेज की बैटरी पड़ी है, अभी मैं सल्फेट भी है वो के हो जाओ, कड़ो हो जाओ कठोर हो जाओ, क्या मेरे मालिक दूर गए हो, मैं रूस के बैठ गया, ठीक है, नाराज होके वो क्या आ गया, कठोर हो गया, मतलब एकदम कड़ा बन के बैठ गया कि हाँ मालिक मेरा चला गया, मैं कड़ा बन के बैठ गया। अब मालिक आया 1-2 साल बाद, जब मालिक 1-2 साल बाद आता है तो देखता है कि भैया जो मेरा सल्फेट है वो तो नाराज बैठा है, रुसा हुआ बैठा है, अब इसको मनाना पड़ेगा। मनाऊंगा कैसे, घर पे तो ये मानेगा नहीं, तो इसको मैं क्या करता हूँ, बाहर लेके जाता हूँ। बाहर मैं कहाँ लेके जाऊंगा उसको, बाहर ले गया मैं किसी दुकानदार के पास कि भैया मेरा सल्फेट जो है वो ये कठोर हो गया है, बिल्कुल नाराज होकर बैठ गया है, अब इसको मनाने में मेरी हेल्प कर। तो वो बोलेगा कि मैं हेल्प तो कर दूंगा, लेकिन इसमें मुझे कुछ मेथड यूज करना पड़ेगा, और इस मेथड को मैंने क्या बोला है, ट्रिकल चार्जिंग मेथड बोला है। और ट्रिकल चार्जिंग मेथड मैं करूंगा कैसे, मैं ये करूंगा कि इसको मैं महीने का अपने पास रखूंगा, 10 दिन अपने पास रखूंगा, 20 दिन अपने पास रखूंगा, जैसे ये बेचारा मान जाएगा और बोलेगा कि हाँ मैं पिंगल गया जी, तो उस टाइम पे आपको वापस दे दूंगा बैटरी, और आपके साथ ये वैसे ही काम करने लग जाएगा जैसे पहले करा था, ठीक है। थोड़ा सा मन मुटाव आप लोगों में रहेगा, लेकिन ज्यादा मन मुटाव नहीं रहेगा, क्लियर है बात, आई समझ। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, ट्रिकल चार्जिंग मेथड का यूज करते हैं। देखो समझ आई कि नहीं आई, सिंपल शब्दों में समझाया है कि जो सल्फेट है वो मेरा क्या हो जाता है, कठोर हो जाता है, सल्फेशन दोष पैदा हो जाता है जब बैटरी लंबे टाइम तक पड़ी रहती है, और जब उसमें सल्फेशन दोष पैदा हो गया तो उस कंडीशन में क्या होगी कि मुझे ट्रिकल चार्जिंग मेथड यूज करना पड़ेगा। और ट्रिकल चार्जिंग मेथड क्या बोलता है मेरा, कि कम मान का जो करंट होता है वो क्या देता हूँ, मैं उसको लंबे टाइम तक देता हूँ, ठीक है। उसमें मैं क्या करूंगा, कम मान का करंट लंबे टाइम तक दूंगा, जिससे मेरा सल्फेट जो नाराज होके बैठा है वो वापस क्या आ जाएगा, नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा, और यही मेथड मेरा क्या कहलाता है, ट्रिकल चार्जिंग मेथड कहलाता है। लिखो, लंबे समय तक बैटरी अनयूज सल्फेशन दोष की तरह होगा जी, यूं तो हाँ सल्फेशन की तरह ही बता रहा हूँ, लंबे समय तक बैटरी अनयूज पड़ी रहती है तो उसका सल्फेट कठोर हो जाता है, उसका सल्फेट क्या हो जाता है, कठोर हो जाता है, और बैटरी काम करना बंद कर देती है, बैटरी काम करना बंद कर देती है। अब उसको पुनः कार्यशील बनाने के लिए ट्रिकल चार्जिंग मेथड का यूज किया जाता है। ट्रिकल चार्जिंग विधि अपनाई जाती है, इसमें बैटरी को कम मान यानी निर्धारित मान का 2 से 3%, कम मान कितना होता है, निर्धारित मान का 2 से 3% करंट, 2% से 3% करंट, 2 से 3% करंट लंबे समय तक दिया जाता है, लॉन्ग टर्म तक, लंबे समय तक दिया जाता है, ठीक है। समझ आ गई बात कि हम लोगों ने क्या लिखा है ट्रिकल चार्जिंग मेथड के बारे में,
कि लंबे समय तक जब मेरी बैटरी जो है वो पड़ी रहती है जिसका हम यूज नहीं करते, तो इसमें क्या होता है सल्फेशन दोष के कारण जो सल्फेट होता है वो कड़ा हो जाता है। अब मेरी बैटरी क्या हो जाती है, काम करना बंद कर देती है, और उसे पुनः कार्यशील बनाने के लिए क्या की जाती है, ट्रिकल चार्जिंग मेथड अपनाई जाती है। इसमें कम मान का करंट यानी कि निर्धारित मान का 2 से 3% करंट जो है वो उसको लंबे टाइम तक दिया जाता है, महीने तक, 20 दिन तक, 15 दिन तक, तब तक ये मान के क्या हो जाती है। सेकंड वापस करो सर, कौन सा वापस करूं, समझ नहीं आया डियर कौन सा बोल रहा है तू। ठीक है, तो लंबे समय तक जो मेरी बैटरी पड़ी है जिसका सल्फेट जो है वो कठोर हो गया, उसको हम लोग क्या करेंगे, लंबे टाइम तक इसको चार्ज करेंगे, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगी, बैटरी मेरी वापस काम करना स्टार्ट कर देगी। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, बैटरी चार्ज करने में मेरा महीना भी लग सकता है, 15 दिन भी लग सकते हैं, 10 दिन भी लग सकते हैं। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि सल्फेट जो है मेरा कितना नाराज होकर बैठा है। अगर ज्यादा नाराज होकर बैठ गया तो महीना भी लग जाता है, अगर कम नाराज होकर बैठा है तो 7 दिन में भी मान जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करते हैं रेक्टिफायर मेथड के बारे में, रेक्टिफायर विधि के बारे में। नेक्स्ट आता है मेरा रेक्टिफायर मेथड, तो इसका डायग्राम थोड़ा सा मुश्किल है रेक्टिफायर मेथड का, इसमें कई चीजें चाहिए होंगी, तो डायग्राम आप लोगों के लिए लेके आया हूं। यहां पे चलते हैं, अब आप नंबर 4 पे आता है मेरा रेक्टिफायर मेथड। रेक्टिफायर विधि, तो इसमें क्या कर लिया जाता है भैया, रेक्टिफायर में एसी सप्लाई से अपन बैटरी चार्ज करते हैं, तो इसमें क्या होगा कि एक रेक्टिफायर लगा होगा, रेक्टिफायर क्या कर देता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देगा, इसके अंदर एक ट्रांसफॉर्मर भी लगा होगा। चलो सारी चीज बताता हूं, तो मैं डायोड वगैरह इसमें कई चीजें लगी होती है, तो डायग्राम ही देख लेते हैं हम। तो रेक्टिफायर मेथड का अभी चलते हैं अपन डायग्राम पे, तो यहां से गए इंपोर्ट में, इंपोर्ट में जाके ये आता है मेरा रेक्टिफायर मेथड। ठीक है, तो ये है मेरा रेक्टिफायर मेथड। ठीक है, अब देखो इसमें क्या क्या चीजें आप लोगों को दिखाई दे रही है, इसमें आप लोगों को चीजें दिखाई दे रही है, एक तो एसी सप्लाई, एसी सप्लाई के थ्रू मैं क्या करता हूँ, इसको एसी सप्लाई दी जाती है यहाँ से, एसी सप्लाई के बाद यहाँ से मैंने क्या लगा रखे हैं, ये मेरे क्या है स्विच, एक ये स्विच है और एक ये स्विच है, इसके बाद ये मेरा क्या लगा है फ्यूज लगा हुआ है। ठीक है, फ्यूज के बाद क्या है, यहाँ पे जो मेरा लगा हुआ है ये है स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर क्यों यूज किया जाता है, क्यों यूज किया है स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर को, रीजन ये है कि यहाँ से सप्लाई मान लो मेरी कितनी आ रही है 240 वोल्ट की सप्लाई आ रही है, लेकिन अब मुझे इसको क्या करना है स्टेप डाउन करना है। स्टेप डाउन करके जैसे मान लो यहाँ पर मेरी ये जो बैटरी लगी है ये 12 वोल्ट की लगी है, अब इस 12 वोल्ट की बैटरी को क्या करता हूँ मैं, 240 वोल्ट की सप्लाई से मुझे चार्ज करना है, इसके लिए मैं क्या करूंगा, इसके लिए मुझे यही चीज करनी पड़ेगी कि यहां पर मैंने क्या लगा दिया ट्रांसफॉर्मर लगा दिया। ट्रांसफॉर्मर क्या करेगा, ये जो यहां से 220 वोल्ट, ये 240 वोल्ट सप्लाई दे रहा हूं मैं इसको, और इस साइड मुझे मिलने वाली यहां पे जो सप्लाई मिलेगी वो कितनी मिलेगी मुझे 12 वोल्ट। जब मुझे 12 वोल्ट एसी सप्लाई मिल गई, अब इस 12 वोल्ट एसी सप्लाई को मैं क्या करूंगा, रेक्टिफायर, ये क्या लगा हुआ है मेरा रेक्टिफायर, रेक्टिफायर के थ्रू मैं क्या कर लूंगा इसको 12 वोल्ट में कन्वर्ट कर लूंगा। तो यहां से मेरी 12 वोल्ट जो बनी है वो एसी टाइप की बनी है, और रेक्टिफायर के बाद यहां पर जो मेरी 12 वोल्ट बनी है वो डीसी टाइप की बनी है। क्लियर है, ये मेथड जो है मेरा ये रेक्टिफायर मेथड है। चलिए समझ आई कि ये जो मेरा मेथड है ये क्या आ गया, मेरा रेक्टिफायर मेथड आ गया। अब इसमें आपको कोई डाउट है तो बताओ, रेक्टिफायर मेथड बड़ा सिंपल सा है, आप डायग्राम बना सकते हो। मैं सोचा कि ज्यादा अगर मैं टाइम लगाऊंगा तो इसमें मुझे काफी ज्यादा टाइम लगेगा, इससे अच्छा है कि तुम लोगों को मैं एक बना बनाया परोस के ही दे दूं। क्लियर है, रेक्टिफायर मेथड के बारे में चीज समझ आई कि यहां पर क्या देता हूं मैं, एसी सप्लाई देता हूं, एसी सप्लाई मान लो कि मेरी 240 वोल्ट की है, अब इस 240 वोल्ट की सप्लाई को मैंने क्या किया है कन्वर्ट कर लिया किसमें, कम सप्लाई में, यानी ये लगा दिया मैंने यहाँ पे स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। और स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर मेरा क्या करता है, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर का तुम लोगों को पता है कि नंबर ऑफ टर्न्स, जैसे यहाँ पर तो ये ज्यादा दे रखी है, नंबर ऑफ टर्न्स क्या होती है इसकी, कम होती है,
ठीक है, सॉरी ये कम ही बनाई है इसने। तो यहाँ पे क्या है, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर ने क्या कर दिया, मेरा 12 वोल्ट एसी में कन्वर्ट कर दिया। जब इसने 12 वोल्ट एसी में कन्वर्ट कर दिया, आगे मैंने क्या लगा दिया, डायोड लगा रखे हैं। ये मेरा पूरा का पूरा रेक्टिफायर लगा है, ये 4 डायोड लगे हैं, 1 2 3 4, ठीक है। और अब मेरा क्या करता है, यहाँ से 12 वोल्ट डीसी में कन्वर्ट हो गया, और ये होती है मेरी रेक्टिफायर मेथड। चीजें क्या क्या लगी होती है इसमें, एक ट्रांसफॉर्मर लगा हुआ है। अगर तुम लोगों से पूछ ले कि रेक्टिफायर मेथड मेथड में क्या क्या लगे होते हैं, तो एक तो भैया मेरा फ्यूज लगा हुआ है, एसी सप्लाई स्रोत लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर एसी सप्लाई स्रोत, ठीक है, ये है एसी सोर्स, ये क्या है मेरा एसी सोर्स है, ठीक है। यहाँ पर एक स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर भी लगाया है मैंने, ये स्विच लगाया, ये फ्यूज लगाया, एमीटर लगाया है, तो कई चीजें लगी है, वोल्ट मीटर एमीटर सारी चीजें लगाते हैं, ठीक है। वोल्ट मीटर किस टाइप का यूज करते हैं, वैसे इसने यहाँ पे यूज किया नहीं है, वोल्ट मीटर भी इसको यूज करना चाहिए डीसी टाइप का, ठीक है, डीसी टाइप का इसको वोल्ट मीटर भी यूज करना चाहिए, ताकि इससे हम लोग क्या कर सकें, वोल्टेज माप सकें, ठीक है। इसमें करंट रेगुलेटर और वोल्टेज रेगुलेटर, ये दोनों चीजें भी लगी होती है, कई चीजें लगी होती है इसमें, लिख सकते हो आप लोग। चलो भाई आगे बढ़े, रेक्टिफायर समझ आया कि रेक्टिफायर मेथड कैसे काम करता है। अगर रेक्टिफायर मेथड समझ आ गया हो तो आगे बढ़ते हैं, ज्यादा इतना कुछ है नहीं। नेक्स्ट बैटरी की सिर्फ चार्जिंग अवस्था के बारे में हमें पढ़ना है, कि बैटरी की चार्जिंग अवस्थाएं कौन कौन सी होती है, कैसे कैसे हम बैटरी को चार्ज करते हैं। तो बैटरी की चार्जिंग अवस्था के लिए कुछ उपकरण भी होते हैं, तीन प्रकार की चार्जिंग अवस्था होती है। एक तो बैटरी होती है मेरी पूर्ण चार्ज, एक होती है मेरी अर्ध चार्ज, और एक होती है मेरी डिस्चार्ज। अब इसमें कई कई चीजें पूछ लेते हैं तुम लोगों से, कि अर्ध चार्ज में जो अपेक्षित गंतव्य है वो कितना होगा, ठीक है, वोल्टेज कितनी होगी सेलों की, प्रत्येक सेल की वोल्टेज वगैरह के बारे में पूछते हैं। संदीप सेकंड वापिस करो सर, यार ये तेरी चीज समझ नहीं आई डियर, मुझे क्या बोल रहा है, ठीक है। तो आगे बढ़े, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। रेक्टिफायर के बाद आता है अब हमारा बैटरी की चार्ज अवस्थाएं, बैटरी की चार्ज अवस्थाएं। बैटरी की चार्ज की तीन अवस्थाएं होती है, एक तो होती है पूर्ण चार्ज अवस्था, एक क्या आती है पूर्ण चार्ज अवस्था, पूर्ण चार्ज अवस्था, ठीक है। अब पूर्ण चार्ज अवस्था के बारे में तुम लोगों से क्या पूछ लेते हैं, पूर्ण चार्ज अवस्था में एक तो ये चीज पूछ लेते हैं कि भैया बैटरी का अपेक्षित गंतव्य कितना होगा और प्रति सेल विद्युत वाहक बल कितना होगा। तो पूर्ण चार्ज अवस्था में इस अवस्था में प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल ईएमएफ 2.2 वोल्ट प्रति सेल होगा, ठीक है, 2.2 वोल्ट क्या होगा प्रति सेल होगा। और अपेक्षिक गंतव्य की बात करें तो इसका अपेक्षिक गंतव्य क्या होगा, अपेक्षिक गंतव्य होता है इलेक्ट्रोलाइट का कितना गड्ढा है वो, ठीक है, और इलेक्ट्रोलाइट का अपेक्षिक गंतव्य एक पॉइंट दो पांच से 1.28 होता है, ठीक है। अपेक्षित गंतव्य क्या होता है, किसी इलेक्ट्रोलाइट का गाढ़ापन, ठीक है, होता है। ये इसकी कोई वैसे वैल्यू नहीं होगी, ये सिर्फ आपको वैसे ही मिलेगा, इसका कोई मात्रक वगैरह नहीं मिलता, कि जैसे आप एम्पियर में पढ़ रहे थे या वाट में पढ़ रहे थे, उस हिसाब से कोई मात्रक वगैरह इसका कुछ नहीं होता, इसका सिर्फ इतना ही होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, बैटरी की पूर्ण चार्ज अवस्था के बाद आती है बैटरी की अर्ध चार्ज अवस्था। इसमें इससे ज्यादा पेपर में कभी कुछ नहीं पूछा जाता और ना इसका कुछ दिया होता है, ठीक है।
और एक चीज और पूछ सकते हैं कि जब बैटरी जब मेरी पूरी चार्ज हो जाती है तो उस टाइम पे क्या होता है, तो जो हाइड्रोजन गैस है वो वेंट प्लग से क्या होती है, तेज बुलबुलों के साथ बाहर निकलती है। बैटरी चार्ज का कैसे पता लगेगा, तो गैस जो है वो तेज बुलबुलों के साथ क्या निकलती है, मेरी बाहर निकलती है। जब बैटरी, नोट लगा के लिख लो, जब बैटरी पूर्ण चार्ज होती है तो गैस बुलबुलों के रूप में तिरव गति से बाहर निकलती है, तिरव गति से बाहर निकलती है। गैस क्या करती है, तेज गति के साथ क्या करती रहती है, बाहर निकलती रहती है। यही इतना इंपॉर्टेंट है। वैसे तो नोट्स तुम लोगों को मिल ही जाएंगे, वैसे तो तुम लोगों को नोट्स मिलते ही रहे हैं, तो ज्यादा तुम्हें इस चीज में सोचने की जरूरत नहीं है, बस याद करते रहो अपना। नेक्स्ट बात करते हैं बैटरी की अर्ध चार्ज अवस्था। बैटरी की अर्ध चार्ज अवस्था, उसमें भी वही चीज पढ़ोगे तुम लोग। अगर गैस के बारे में बात करूंगा तो बुलबुले क्या है, थोड़े स्लो निकलेंगे, ठीक है, अपेक्षित घनत्व भी इसमें पढ़ेंगे हम लोग, और प्रति सेल का विद्युत वाहक बल भी पढ़ेंगे। इसमें प्रति सेल का विद्युत वाहक बल प्रति सेल का विद्युत वाहक बल कितना हो सकता है, 1.2 से लेके 1.25 तक हो सकता है। और इसकी बात करता हूं मैं अपेक्षित घनत्व की, तो अपेक्षित घनत्व कितना हो सकता है इसका, जैसे उसमें हम लोग क्या पढ़ रहे थे, इसमें प्रति सेल का ईएमएफ 2.0 से 2.2 वोल्ट हो सकता है, या 2.0 ही ज्यादा तुम लोगों को लिखा हुआ मिलेगा, 2.0 से 2.15 वोल्ट हो सकता है। और इसका अपेक्षित घनत्व कितना हो सकता है, 1.20 से लेके 1.25 तक हो सकता है। अपेक्षित घनत्व 1.20 से 1.25 तक हो सकता है जब यह बैटरी हाफ चार्ज होती है, जब बैटरी हाफ चार्ज होती है तो गैस हल्के बुलबुलों के रूप में निकलती है, हल्के बुलबुलों के रूप में बनती है, ठीक है। मतलब बैटरी अगर मान लो मेरी कम चार्ज होगी तो बुलबुले क्या आएंगे, धीरे धीरे निकलेंगे, जब मेरी बैटरी पूरी चार्ज होगी तो तिरव गति से निकलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे बैटरी की डिस्चार्जिंग अवस्था, और डिस्चार्जिंग अवस्था में क्या होगा, गैस बिल्कुल भी नहीं निकलेगी, और प्रति सेल वोल्ट क्या होगा, 2 वोल्ट से भी कम होगा, और अपेक्षित घनत्व क्या होगा मेरा, अपेक्षित घनत्व 1.18 तक होगा। चलिए समझ आ गया, नेक्स्ट बात करते हैं बैटरी की डिस्चार्जिंग अवस्था।
अब बात करेंगे बैटरी की डिस्चार्जिंग अवस्था के बारे में, तो इसमें प्रति सेल ईएमएफ कितना होगा? इसमें प्रति सेल का ईएमएफ इसमें प्रति सेल का ईएमएफ कितना होगा? कितना लिख सकते हैं भैया? 2 वोल्ट से भी कम होगा, ठीक है, ध्यान रखना। प्रति सेल का ईएमएफ कितना होगा? 2.0 वोल्ट से कम होगा। और अपेक्षित घनत्व कितना होगा? इसका अपेक्षित घनत्व कितना हो सकता है? अपेक्षित घनत्व होगा इसका 1.18 होता है, ठीक है। इसमें गैस बुलबुलों के रूप में मुक्त होती नहीं, इसमें याद ध्यान रखना कि गैस जो है वो बुलबुलों के रूप में नहीं निकलती। इसमें गैस बुलबुलों के रूप में नहीं निकलती, क्लियर है? तीनों अवस्थाएं दोबारा पढ़ लेते हैं एक बार। तो सबसे पहले बात करते हैं हम पूर्ण चार्ज अवस्था की, बैटरी की चार्जिंग कंडीशन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो पहली अवस्था क्या होती है? जब मेरी बैटरी पूरी चार्ज होती है। जब मेरी बैटरी पूरी चार्ज होगी तो प्रति सेल का ईएमएफ कितना होगा? 2.2 वोल्ट का। जब बैटरी पूरी चार्ज होती है उस कंडीशन में प्रति सेल का ईएमएफ कितना होता है? 2.2 वोल्ट। यहाँ पे आप लोगों को पूरी चीज दिखी हुई है और पीडीएफ आपको केटीडीटी ऑनलाइन एजुकेशन ऐप पे मिलती रहेगी, तो वहां पर आप लोग जुड़े रहें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें केटीडीटी ऑनलाइन एजुकेशन ऐप को।